न्यूजीलैंड को मिली शर्मनाक हार, चहल ने इस तरह जीता दुनिया का दिल। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को माउंट माउनगुई के बे ओवल मैदान पर खेले गए आखिरी मैच में हराकर टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। भारतीय टीम ने पूरी सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा और न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं दिया। सीरीज के दो मैचों में जीत के करीब पहुंचकर कीवी टीम सुपर ओवर में मैच हार गई, तो अन्य तीन मुकाबलों में भारत ने आसान जीत दर्ज की। मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टीम साउदी ने बताया कि हमें काफी निराशा हुई कि हमें सीरीज को 5-0 से गंवा दिया, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता रहता है और हमने अब अपने आगे की ओर देखना होगा। उन्होंने बोला कि अब हमारी नजर आने वाली वनडे सीरीज पर होगी। इस मैच के खत्म होने के बाद भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए हारने वाली टीम के कप्तान टीम साउदी के पास गए और उन्हें गले लगाया। उनकी इस पहल की काफी तारीफ हो रही है। न्यूजीलैंड टीम के इंस्टाग्राम से इसे शेयर भी किया गया है। इसमें कैप्शन में लिखा गया है, मैदान के भीतर प्रतिद्वंद्वी और मैदान के बाहर दोस्त। इस मैच में हार के साथ ही कीवी टीम के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। उन्होंने 65 मैच हारे हैं। इस मामले में श्रीलंका दूसरे नंबर है जिन्होंने अब तक कुल 64 मैच गंवाए हैं। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड को मिली शर्मनाक हार और चहल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।